ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीऋषिभ्यो नमः ॐ सहनावतो सहनौभो नक्तो सह वीर्यम्

नम देववाणी संस्कृत यूट्यूब चलदृश्यम प्रति हादत मित्रो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतु अध्याय तृतीय पाद कक्षा संख्या ष्टी तमी तिरसठ को आज पढ़ेंगे सिक्सटी थ्री को ठीक है चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था 140 तक पढ़ा दिया था मयड वै तयोर भाषाया मक्षाचा ठीक है चलिएगा अब इससे आगे चलते हैं हमारा सूत्र है नि वृद्धरादिभ्य पदछेद नि प्रथम व्यक्तिवना वृद्धरादिभ्य पंचमी बहुवचना सामस है शरादि ये शरादय वृद्ध शरादयच वृद्धरादय तेभ्य वृद्धरादिभ्य बहुब्रीहि गर्भे गर्भे तरे द्वंद पहले यहाँ पर बहुब्री समास हो गया है फिर इतरेतर हो गया इनका ठीक है अनुवृत्ति इसमें आती है मयठ भाषायाम भक्षाचादनो अवयवे तस्वीकार प्रातिपदिका, प्रत्यय परश्चय, इन पदों की अनुवृत्ति आती है चलिएगा। अर्थाह भक्षा चादना वर्जिता विकारा व्यवायोर अर्थायोऽहो शष्टी समर्थे भयो वृद्ध संज्ञे के भयः नित्यम मैयत्प्रत्ययो भवति पूर्वे न विकल्पे प्राप्ते नित्यार्थम वचनम्। कहते हैं भक्ष्य और आच्छादन वर्जित विकार और अवयव अर्थ में माने विकार और अवयव भक्ष्य और आच्छादन वाची नहीं होने चाहिए ऐसे षष्ठी समर्थों से वृद्ध संयक वृद्ध संज्ञा करता जिसकी वृद्ध संज्ञा है वृद्धे चामादिस्तद वृद्धम वृद्ध संज्ञा आपको प्रथम पाद में पढ़ा दी थी प्रथम अध्याय एक तो वृद्ध संजक प्रातपदकों से और शरादीभ्य शरादि गण में पड़े हुए प्रातपद प्रातपदकों से नित्य ही मयट प्रत्यय होता है ध्यान इसका अर्थ क्या हो गया पूर्व सूत्र से पूर्व सूत्र से क्या प्राप्त था विकल्प से प्राप्त था भाषा में भाषा की बात कर रहे हैं ठीक है ठीके? पूर्व सूत्र से मयड इस सूत्र से क्या हुआ था वा, विकल्प से प्राप्त था पक्ष में और भी प्रत्यय हुए थे तो अब इन्होंने कह दिया कि भाई यदि इस प्रकार के प्राप्त होंगे वृद्ध संज्ञा के अश्रादी गण में पठित तो विकार और अवय में नित्य ही मैट होता है विकल्प नहीं होता इसका मतलब मैट ही होता है उदाहरण दे रहे हैं यहां पर जैसे वृद्ध संजक का आम्रस्य विकार है अब ये आम्र शब्द है वृद्ध संज्ञा है आदि में आ वृद्धि संजक है तो वृद्ध संजक हो गया तो इसका विकार को कहेंगे तो आम्रमयम अब ध्यान देंगे आम का विकार जो फल को नहीं कह सकते तो फल तो भक्ष्य हो गया भक्ष्य से भिन्न होना चाहिए यहां पर आम्रत से विकार और कुछ हो सकती है आम का छाल आदि हो सकती है ठीक है ऐसे ही शाकमयम तो शाकस्य से विकार अवयो वा शाकमयम तो शाक का विकार तो शाक का विकार, तो शाक, का विकार तो शाक का विकार कुछ दूसरा ऐसा होना चाहिए तो वो भक्ष नहीं होना चाहिए और कहते हैं शरादिभ्य शरादी शरमयम दर्भमयम मृणमयम तो ये क्या है सब जगह शर शब्द है दर्भ शब्द है, है ये वृद्ध संयक नहीं है ये मृत शब्द है मृत मृत का अर्थ होता है मिट्टी ये हलंत है ठीक है मृत तो यहां पर ये जब मैट आ जाएगा विकार अर्थ में तो मैटी होगा इनसे अब तो मयट होने से क्या हो जाता है ये मृत और मयट आगे आ जाएगा और जो षष्टी व्यक्ति है उसका लुक हो जाएगा मयट का मय तो यहां पर के को क्या हो जाएगा न हो जाएगा तकु न हो जाता है संधि से तो ये मृत भय बस इतना ही है या गुरु जी ने लिखा भी है भक्ष आच्छादन वर्जित विकार और अवयव अर्थों में षष्ठी समर्थ वृद्ध संजय तथा शराबी प्राप्तों से लौकिक प्रयोग विषय में नित्य ही मैट प्रत्यय होता है पूर्व सूत्र से विकल्प की प्राप्ति थी तो नित्यार्थम वचनम ये नित्यता के वचन है ठीक है अब इन शब्दों से आ, दूसरा प्रत्यय नहीं होगा विकार और अवयवर्त में मैट ही होगा चलिए गोश्च पुरीशे गो पंचमी व्यक्ति एक च अभ्यपदं पुरीशे सप्तमी व्यक्ति व्यक्तिवचना अनुवृत्ति मयट्ठ तता न्याय प्राप्का प्रत्यय पर अर्थ षी सो प्राप्काधे विदे प्रत्यय होती कहते हैं षष्ठी समर्थ गो प्राप से पुरीश अभिधेय का अर्थ होता है गोबर ठीक है गाय का पुरीश गोबर होता है तो कहते हैं पूरी शब्देव अभी क्या है मैट प्रत्यय हो जाएगा इसमें क्या है ये विकार भी नहीं है अवयव अभी ने जो गोबर है वो गाय का विकार नहीं है ध्यान देंगे गाय का विकार नहीं है गाय का विकार तो उसका चमड़ी आदि होगी ठीक है और ना गोबर उसका अवयव है अवयव भी नहीं है तो इसलिए यहां पुरुष का पुरुष अवयव और विकार के आ, यहां संबंध नहीं लगाया तो गोह पुरुषम गोमयम गोमयम का अर्थ हुआ गोबर गौ का पुरुष गोमयम संस्कृत में गोमयम का अर्थ गोबर हो गया ठीक है वो तो सरल है अब यहां पर देखिएगा पुरुष ना तो गाय का विकार है ना अवयव अतः इस सूत्र में सामर्थ्य से विकार अवयव का संबंध नहीं होता केवल संबंध सामान्य है ठीक है संबंध में गाय का गोबर और सामान्य संबंध है गाय का गोबर ठीक है तो इसमें भी पहले विकल्प से मैट की प्राप्ति थी तो मैट को अब कह दिया पुरुष को कहना होगा तो नित्य ही मैट हो जाएगा विकल्प नहीं होगा विकल्प तो उसी से हो जाता विकल्प को रोकने के लिए सूत्र है वास्तव में ठीक है चलिएगा पिष्टाच पिष्टात पंचमी व्यक्ति एक वचनातम चाप्यपद अनुवृत्ति मयट तस् विकार तद्यता न्याप्रात्पतिका प्रत्यय परश्च अर्थः षष्ठी समर्था पिष्ट प्रातिका मयट प्रत्यय विकारे अर्थी षष्ठी समर्थ पिष्ट प्रातिपदिक तो उससे क्या माइट प्रत्यय हो जाता है विकार अर्थ में अवयव यहां नहीं आएगा संबंध तो पृष्ठ से विकार है भस्म तो यहां पर बता रहे पिष्ट मन कोई आ, कुछ होता है पिंड सा पिंड उसका भस्म मन उसको जला करके उत्पन्न की गई भस्म उसका विकार है तो कहते हैं पिष्ट अप्राण्य वृक्षवाची माने पिष्ट कैसा है प्राणी और औषधीय वृक्षवाची नहीं है इसलिए इससे केवल विकार अर्थ में ही होगा ठीक है अर्थ में मैट होता है यह सूत्र औत्सर्गिक अण का अपवाद है ध्यान देंगे अब ये सूत्र विकल्प से यदि होता अण भी हो जाता तो अण का भी अर्थात अब पिष्ट शब्द से तो विकार अर्थ में मैट ही होता है अण नहीं होगा तत्व से अब अण नहीं होगा ध्यान देंगे तस यदि उस सूत्र से मैट बीत विभाषा विभाषा भाषा भाषाच्छादन हो उस सूत्र से यदि मैट होता तो तो अण भी हो जाता परंतु इसके लिए अलग से सूत्र मैट करने के लिए इसका मतलब है इससे मैट ही होता है ठीक है तो सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है सामान्य है चलिएगा संज्ञायाम कन संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम कन प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम अनुवृत्ति पिष्टा तस्वीकारा तद्यता न्याय प्राप्त का प्रत्यय परिश ठीक है अर्था षष्ठी समर्था पिष्ट प्रातिपदिका हाँ। संज्ञायाम विषय विकारे अर्थे कन प्रत्यय भवति कहते हैं षष्ठी समर्थ पिष्ट प्रातिपदिक से सन्या भी हो, रहा हो और विकार हो तो उसमें कन प्रत्यय होता मैट नहीं होता ये मैट का भी अपवाद हो गया तो पिस्टक तो पिष्ट से विकार किसी का विशेष का नाम है ठीक है विशेष विकार का सभी विकार नहीं तो पिष्ट कह उसको पिष्टक बोलेंगे कन हो गया ठीक वृहे पुरोडाशे वृहे पंचमी व्यक्ति एक पुरोडाशे सप्तमी व्यक्ति एक वचनातम अनुवृत्ति मयट तस् विकार तंथिता प्रत्यय प्रश्न इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है अर्थ ष्ठी समर्थात् ब्रीहि प्रातिकात मयट प्रत्ययो भवती पुरोडाशे विकारे विधे कहते हैं ष्ठी समर्थ व्रीही प्रातिक से प्रत्यय होता है यदि पुरोडाश विकार हो विकार अभी हो और वो कौन है चाहिए पुरोडाश पुरोडास से भिन्न कोई विकार होगा तो तो फिर उसको अण ही होगा विकार से ठीक है तो ये भी क्या है अण का ही अपवाद है उसको बोलते हैं यज्ञ आदि में कुछ आटे का बना करके पकाया जाता है वो पुरोडाश होता है ठीक है तो ये बता रहे हैं अभी देख रहे हैं तत्विकार ऐसे नहीं हुआ तो ये ब्रीहिमय पुरोड़ाशाह मान ब्रीहि से बना हुआ अब यहां पर विशेष शब्द विशेषब्दी गण के अंदर पड़ा हुआ है अतः का अपवाद है सूत्र ये का अपवाद नहीं है वास्तव में ये बिल्वादिभ्रुण का अपवाद है क्या है बिल्वादिण का क्योंकि ब्रीही शब्द आदि उदात है वो आदि अनुदात्त है तो अनुदाता दे अनुदाता देश से अ प्राप्त था तो उसको बांधने के लिए क्या कर दिया था बिल्वादि गण में पढ़ दिया ऐसा अण कर दिया था फिर उसको भी ये प्रोडाश को कहना होगा शब्द से तो फिर इससे कह दिया जी कि मैट होगा नित्य नित्य मैट होगा अन्यत्र अन्यत्र क्या होगा अण होगा बिल्वादि और अन्य अर्थों में वो मैड 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 था तो तो नहीं वो नहीं लगेगा आप ठीक है ध्यान देंगे तो ये विकार कहना हो तो अण ही होगा अन्य विकार को कहना होगा तो ठीक है असंज्ञायाम तिल यवाभ्याम असंज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम तिल पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम समास असंज्ञायाम इत्यत्र नहीं तत्पुरुष और तेला इत्यत्र इतरेतर यो द्वंद्व तो यहाँ पर न संज्ञा असंज्ञा तस्याम असंज्ञायाम नहीं तत्पुरुष हो गया और तिल में यहाँ पर तिलश्चा यवश्च यव तिल यव ताभ्याम तिल एवाभ्याम इतरेतर द्वंद्व हो गए या प्रातपदिकात प्रत्यय प्रश्न की अनुवृत्ति आ रही है अर्थ षी समर्था तिलय प्राप्ति अर्थयोर संज्ञायाम विषय भवति ठीक है कहते हैं कि षष्ठी समर्थ तिल और यव प्रातपदिकों से विकार अथवा अवयव अर्थ में संज्ञा नहीं होनी चाहिए माने असंज्ञा में मैंने कि किसी बेकार विशेष का किसी बेकार विशेष के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए सा, सामान्य रूप से अवयव बेकार के लिए तो क्या है मैट प्रत्यय भवती तो आ, मैट हो जाए तो मैट ही होगा तो ये भी क्या है अपवाद है यहां बताएंगे विशेष ठीक है ये क्या है तिलस्य से अवयवो अवयवोवाद तिलमयम ठीक है यवश्य विकारो अवयवोवाद यवमयम तो ये जो क्या है तिल है अथवा यव है ध्यान दीजिएगा तिल है या यव है ये क्या है भक्ष्य है माने इनका जो विकार होगा अथवा इनका अवयव होगा वो भक्ष पदार्थ ही तो है तो इनमें मैट की प्राप्ति थी ही नहीं क्योंकि वहां अभक्षा नहीं होगा भक्ष्य का, भक्ष का निषेध कर दिया था भक्ष्य विकार नहीं होना चाहिए तो यहां पर ये भक्ष्य है वास्तव में तिलमयम और यवमयम तो इसमें प्राप्ति ही नहीं था मैट तो इसको क्या कर दिया मैट प्राप्त करा दिया क्या कर दिया मैट प्राप्त करा दिया ठीक है अब इसलिए इसमें अण भी हो जाएगा वास्तव में ये ध्यान देंगे इसमें क्या हो जाएगा अण भी हो जाएगा तस्वीकार से तिलस्य विकार तैलम ऐसा भी हो जाएगा ये ध्यान देंगे या लिखा गुरु जी देख लीजिएगा ये सब भक्ष पदार्थ हैं सो so, इस सूत्र से माने वही है मैड, वही तो ये मैड प्राप्त नहीं था, अतः उसका विधान कर दिया उसका विधान कर दिया अर्थात संज्ञा से भिन्न में ठीक है अब तिल से तैल हम होता है तिल का विकार तैल उसके लिए उस उस जो, जो रस जैसा होता है तरल पदार्थ होता है उसके लिए ही तेल का प्रयोग करते वो संज्ञा है वास्तव में तो वहां पर क्या हो जाएगा अण हो जाएगा वहां अण होगा और वास्तव में यहां पर देखा जाए तो तिलस्य विकार ही लगे अवयव नहीं लगेगा अवयव नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर जो तिल शब्द है ध्यान देंगे जो तिल शब्द है वो तिल के वृक्ष को नहीं कह रहा तिल के वृक्ष को नहीं कह रहा तिल के जो दाने हैं उनको कह रहा है और जो तिल के दाने हैं, वो प्राणीवाची भी नहीं है औषधिवाची भी नहीं है और वृक्षवाची भी नहीं है ध्यान देंगे हाँ का पेड़ को कहेंगे पेड़ को तो तिल शब्द का अर्थ पेड़ नहीं है का पेड़ तिल का अर्थ है यहां पर जो तिल काले काले तिल होते हैं या थोड़ा सफेद तिल होते हैं वो तिल दाने तो इसलिए अवयव अर्थ में भी प्राप्त नहीं था अवयव अर्थ में तो प्राप्त नहीं वास्तव में ये यह यहां दिखा दिया है अवयव का कोई संगति नहीं तिल का विकार ही है तिलमयम और संज्ञा उस तरल पदार्थ की संज्ञा है इसलिए वहां तैलम बन जाएगा विकार अर्थ में तिलस्य विकार तैलम ये ध्यान देंगे तो वास्तव में जो ध्यान ये ध्यान दीजिएगा जो तैल शब्द का प्रयोग होता है तैलम वो वास्तव में तिल का जो तेल होता है उसी के लिए प्रयोग होना चाहिए उसी के लिए सरसों सरसों का जो सरसों के दानों में से निकलता है सूरजमुखी के दानों में से निकलता है जो जिसको हम ऑयल बोलते हैं उसको वास्तव में व्याकरण की दृष्टि से वो तेल तैल नहीं है ठीक <laughs> है परंतु व्यवहार में आ चुका है व्यवहार में सदृशाद जैसे तिल में से तरल पदार्थ निकलता है चिकना चिकना वैसा ही चिकना चिकना रसीला पदार्थ जिन पदार्थों से निकलता है वो जो पदार्थ निकलता है रसीला चिकना उसको तैल ही नाम से पुकारते हैं संस्कृत में भी कहते हैं ध्यान दें संस्कृत में भी ऐसा नहीं है कि तैल शब्द सरसों के तैल को तैल नहीं बोलते बोलते पर व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो तिल के उस ऑयल को ही तैल ताइल कहेंगे तैलम चलिएगा तो इसमें कुछ भी नहीं माइट कर दिया दिव्य चंद द्व्यच पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम छंदसी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम समास द्व अचौ यस्मिन स द्व्यच तस्मात् द्व्यच बहुव्रीहि अनुवृत्ति मयत अवयवे तस्विकार तद्धिता ज्ञा प्राप्त का प्रत्यय परश्चय इनकी अनुवृत्ति है ठीक है अर्थ समर्था समर्थ द्विच प्रातिपदिकात छंदसी विषय विकारावय भवती कहते हैं षष्टी समर्थ दो अच्छ वाला जिसके अंदर दो अच है ऐसे विषय प्राप्त से छंद के विषय में विकार अथवा अवय को कहना होगा तो मैट प्रत्यय होता है छंद में तो प्राप्ति ही नहीं था वास्तव में क्योंकि मैड बोर विभाषा वैतोर विभाषा भाक्षा मैड तयोर भक्षा यो हो ये सूत्र था ठीक है हाँ नहीं मैड भोर भाषायाम भक्षा यो ये सूत्र था एकदम जीवा पर नहीं आ रहा था कभी कभी ऐसे ही होता है तो उसमें क्या है छंद भाषा का था छंद में प्राप्त नहीं था तो यहां पर छंद में प्राप्त करा दिया दो अचवालों से उदाहरण यस्या यर्णमयी जुहूर भवती गर्भमयम वासो भवती परमयम भवती तो ये क्या है पर्णमयी बना दिया पर्ण शब्द क्या दो वाला है तो पर्णों से आ, पर्णों का विकार अथवा अवयव तो यहाँ पर ये यह उदाहरण दे दिया छंद का पूरा ये दर्भमयम वासो भवती तो दर्भ से युक्त वास दर्भों से बना हुआ कोई चटाई आदि है उसको कहा जा रहा है ठीक है विकार ही हो गया और शर्मयम बर्भवती शर है उनसे बरही जो यज्ञ आदि के ये प्रयोग होने वाले अः कुछ वस्तुएं हैं ठीक है तो ये पर्णमयी हो गया यहाँ पर और ये दर्भमयम स्त्री लिंग गए तो मैट प्रत्यय तो होने से गीप हो जाएगा क्योंकि जो जू, जुहू को कह रहा है और दर्भमयम वासो भवती नपुंसलिंग का प्रयोग दिया है वहां पर ऐसा कैसे ले लिया है ठीक है और शर्मयम वर्भवती तो ये शर्से से मैट प्रत्यय हो गया है तो ये वेद विषय में विकार अथवा दो वाला कोई वैसा नहीं है दर्भ भी शर् भी और पर्ण भी दो दो अच्छ वाले है ठीक चलिएगा नोत्वद्वर्धविल्वात् न अव्ययपदम् उत्वद्वर्धविल्वात् पंचमी व्यक्ति एक हो जाना था समास उकारो विद्यते स्मिन् तदुत्वत् बावरीहि ठीक है उकार माने उकार का अर्थ है ह्रस्व ये उक, ह्रस्व उकार हर्षु उकार है मतलब माने हर्षु उकार है जिसमें वो क्या हो गया उत्तव और उत्तवच्छा वर्धर्ष्चा बिल्वर्ष्चा उत्तव वर्ध बिल्वम तस्माद् उत्तव वर्ध बिल्वात् समाहरुधन समारुधन हो गया ठीक है यह उकार से हर्षु उकार लेना है अनुमिर्ति जो को ये तपरकरण किया गया यहां पर उत्थ ठीक है द्विचंदसी मयट अवयवी तस्वीकार तदिता न्याय प्राकृत प्रत्यय पर इनकी अनुवृत्ति है ठीक है अर्थ ष्ठी समर्था द्वच उकारवत प्रातिकात वर द्रविल शब्दाभ्याम चिकारावयवयोरथयो मयट प्रत्ययो हो नवती ठीक है कहते हैं ष्ठी समर्थ दो अचवाले और कैसा है उपकारष्ठी समझ दो अचोने चाहिए साथ साथ में ये शर्त जोड़ दी कि उसमें ह्रस्व उकार होना चाहिए उस प्राप्त में अंत में हो बीच में हो आदि में हो कहीं पर भी हो इससे कोई है लेकारबान होना चाहिए रस्व कारबान और वर्द प्राप्तिक और बिल्लो शब्द इनसे क्या होता है विकार और अभय वर्त में मैट सकते हैं नहीं होता है निषिद्ध कर रहे ऊपर वाले सूत्र से छंद में प्राप्त था तो उसका निषेध कर दिया ये छंद का है ठीक है वास्तव में ये कौन छंद में ही प्राप्त था तो छंद में ही इसकी अनुवृत्ति आ रही है छंद में निषेध किया है छंद सी रेखा लिखा नहीं है पर छंद का ही है छंद में निषेध किया है ठीक है तो जैसे जम शिक्कम तो यहां मुख्य प्राथमिक का है मुंज है क्या है मुंज तो मुंज अब ऊपर वाले सूत्र से से मैट प्राप्त छाप्त छंद में तो मैट का निषेध कर दिया तो अब ये उकारवान है, है मुंज़ तो अब इसमें क्या हो जाएगा यहां गुरु जी लिख दिया है तो मैट का निषेध होकर के मुंज शब्द से अब क्या हो जाएगा औसर्गिक अण प्रत्यय हो जाएगा तत्वीकारा से अण प्रत्यय हो जाएगा और अवयव होगा हाँ ये तो ये तो वृक्षवाची है तो मूंज तो का एक वो होता है कुछ टांगने का प्राचीन काल में बनाते थे माने जो घरों में लटका देते थे जिसमें कुछ सामान आदि रख देते थे एक टोकरी ऐसी होती है मूंज उसको शिक्कम बोलते हैं ठीक है ठेके? और आगे बता रहे हैं यहां पर गारमुतम चक्रम तो ये गर्मुत शब्द है क्या है गर्मुत् ऐसा ये भी उड़वाने है। ठीक है गारमुतम चक्रम तो चक्र है ये भी कोई किसी वृक्षवाची है कोई शब्द है ऐसी वारधम वर्ध से वारधम और बिल्लु से बिल्लु अब यहां पर लिखा हुआ है नीचे देखेंगे मुंज और एवं गर्मुत शब्द उकारवान है तथा द्वैच है सो मैट का निषेध होकर के मुंज शब्द से औत्सर्गिक अण माने वो तस्वीकारा वाला अण और गर्मुत जो शब्द है ये कैसा है अनुदाता है अनुदाता होने से अनुदात्ता देश से सूत्र से अं हो गया क्या हो गया इसमें अं हो गया क्योंकि तत्व विकारा का अपवाद ही और वर्ध शब्द से भी के और्ण होगा यह वर्ध शब्द है इससे तस और तस्वीकार से ही अण हो जाएगा ये भी किसी वृक्ष का नाम है वर्ध और बिल्व ये भी वृक्ष का नाम है तो ये इसमें क्या है बिल्वादि गुण से अण होगा क्योंकि बिल्वादिगुण में ही पड़ा हुआ है ये भी इससे अं प्राप्त था तो इसका अपवाद ये कर दिया अण कर दिया बिल्लो शब्द से तो इस प्रकार से यहाँ पर समझ लेना है सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है सामान्य सिद्धियां ठीक है वृद्धि प्राप्त वृद्धि हो रही है नहीं है प्राप्त नहीं हो जाएगी ताला दिव्य ताला पंचमी व्यक्ति बहुवचनाथमा व्यक्ति समाचार ताल आदि ये तालादय तेभ्य तालादिव्य बहुब्री अनुवृत्ति अवयवी तस्व विकार तद्यता न्याप्रातिका प्रत्यय परश्चिन की अनुवृत्ति थी अर्थ ष्ठी समर्थी व्यस्तालादिभ्य प्रातिपदिकेभ्योण प्रत्ययो भवती विकारावयवयोरथयो कहते हैं ष्ठी समर्थ तालादि प्रातिपदिकों से तालादि गण है ठीक है उन प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय होता है विकार और अवयव अर्थ में ठीक है आइएगा तो तालम धनु वारिणम ईंद्रिशम ईंद्रिशम तो यहां पर क्या इंद्रालिश और बरहिण और ताल ये इसमें पढ़े हुए अभी बता देता हूं मैं कौन कौन से गण में पढ़े हुए हैं ये ठीक है ये, ये। तालादी जो गण है उसमें पढ़ा हुआ है आपका बारहिण शब्द है ध्यान दीजिए मैं लिखा देता हूं आपको एक तो आपका ताल शब्द हो गया ये ताल शब्द से होगा प्रत्यय और दूसरा बारहिण बारहिण शब्द है ये ये है आपका बारहण ऐसा दिया है गणपाठ में ठीक है बारहण ऐसा दिया है ठीक है और यह है इंद्रालिक् यह वाला प्राथमिक कैसा है इंद्र ये ध्यान देंगे ये इंद्रालिक् प्राप्त का ठीक है, है? अब यहां पर क्या हो जाएगा इससे अण हो गया अब इसमें क्या है इस गणपाठ के अंदर ध्यान दीजिएगा इस गणपाठ के अंदर ऐसा कहा गया है कि ताल शब्द से ये वाला अण प्रत्यय होगा कब होगा जब धनु को कहना होगा धनुष को कहना होगा ध्यान देंगे ताल शब्द का विकार या अवयव तो वास्तव में ये अवयव अर्थ में ही आएगा तो ताल वृक्ष होता है पेड़ होता है ताल का ठीक है तो उससे अवय अर्थ में अथवा तो विकार अर्थ में जब धनु धनु विकार होगा या अवयव, हो, तभी उससे प्रत्यय होगा अन्यत्र क्या होगा अन्यत्र कह रहे अन्यत्र इसको मैट प्रत्यय होगा क्या होगा मैट प्रत्यय यदि धनु से भिन्न किसी विकार या कहना होगा तो क्या होगा तालमयम बनेगा ठीक है क्या बनेगा तालमयम तो इनसे यहां पर अण हो जाएगा तो बार ऋण बन जाएगा और यहाँ वृद्धि होकर की इसमें वृद्धि पहले से है ही और इंद्र लिशा बन जाएगा ठीक है ये सामान्य सभी अर्थों में है ठीक है कोई विशेष अर्थ में नहीं है तो तो यहां पर तालम धनु और धनु से भिन्न होगा ये वार्तिक है ताला धनुषी वो वार्तिक नहीं वो गणपाठ में सूत्र है ये ठीक है तो ये हो गया बाकी दूसरे जब होगा अर्थ कोई धनु से अर्थ मैट होगा तो मैट, हो तो मैट वास्तव में नित्यम वृद्ध शरादि नित्य मैट होगा ये भी ध्यान रखेंगे ये मैंने अभी देखा कैसा है वृद्ध संयक है ताल शब्द तो जब धनु से भिन्न कोई विकार होगा तो ये वृद्ध होने से नित्यम वृद्ध वृद्धा से वृद्ध संयक मानकर नित्य ही मैट होगा दूसरा प्रत्यय नहीं होगा ठीक है चलिएगा ये हो गया ऐसा ही होगा और वारहीण शब्द है तो इससे तो नित्य ही अण ही होगा ठीक है अब मैट नहीं होगा इससे नित्य ही अण ही होगा मैट नहीं होगा ठीक है नहीं तो यदि इनको भी मैट हो जाए इनको भी मैट हो जाए तो फिर यहां गण में पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है विकार से अपने आप ही अण हो जाता ठीक है चलिएगा आगे है हमारा सूत्र है जात रूपे परिमाणे जात रूपे पंचमी व्यक्ति बहुत परमाणु सप्तमी व्यक्ति एक दिन अनुवृत्ति अण तस्वीकार तद्यता न्याप्रात्मिका प्रत्यापरश ठीक है अर्थ जात रूप वाचिभ्य प्रातिपति के परमाणे गम्य विकारे अर्थे अण प्रत्यय भवती ठीक है कहते हैं जात रूप जात रूप ये क्या है सोने का पर्यायवाची शब्द है में सोने आदि को कहने के लिए तो उन प्राप्त कौन से परिमाण अर्थ हो विकार परिमाण हो क्या होना चाहिए क्योंकि इसमें अवयव में नहीं आएगा क्योंकि ये तो ना तो वृक्षवाची है ना औषधि वाची है ना आपका प्राणीवाची है तो इसलिए परिमाण विकार वो क्या होना चाहिए परिमाण का प्रमाण होना चाहिए तो प्रत्यय हो जाएगा ठीक है और यदि परिमाण से भिन्न अर्थ तो होगा ठीक है तो अभी उसको देखें क्या होगा फिर तो यहां पर उदाहरण दिया है आटको निष्का तो ये तो निष्क क्या है परिमाणवाची शब्द है कारशापणम और ये निष्क ये परिमाण विशेष के वाचक है जैसे हम के.जी बोलते हैं किलो ग्राम मिलीग्राम तो ऐसे ही कारशापण और निष्क ये परिमाण को कहने वाले तरह के तौल हैं अब ये जो निष्क है वो कहा ठीक है तो यहां पर यहां लिखा हुआ है कि हाटक सुवर्ण रुक्म आदि सोने के पर्यायवाची शब्द है हाटक का अर्थ क्या है सोना सुवर्ण का अर्थ क्या है सोना रुक्म का अर्थ क्या है सोना तो सोने का विकार और विकार क्या होना चाहिए परिमाण को कहने वाला तो हाटक विकाराह हाटको निष्का हा। निष्क जो बाट है एक प्रकार का मापन है वो किसका बना हुआ है हाटक का बना हुआ है तो हाटक में हाटक से हाटक ही बन गया ठीक है तो इसमें कुछ भी हुआ नहीं ऐसे तो हाटक में ए, क्या हो गया आपका प्रत्यय हो गया और वृद्धि होगा केवल और बचुट जाएगा तो हाटको निष्का जात रूपम भी तो जात ये भी सोने का बचे तो जात से उत्पन्न हुआ जात रूप है जात रूप शब्द जात रूप से उत्पन्न हुआ कारशापण जो बाट आदि परिमापक सौवर्णो निष्का मान सोने से बना हुआ निष्क का निष्क परिमाण तो स्वर्ण ये स्वर्ण से सऊवर्ण बन गया, गया आपका वृद्धि हो जाएगी और कुछ नहीं रुक्म से रुक्म तो यहां पर जात रूप बहुवचन पड़ा हुआ है इससे मालूम पड़ता है कि जात रूपवाची माने जात के जात रूप के पर्यावाची शब्दों से भी प्रत्यय होता है यदि केवल जात रूप से ही होता तो एक वचन होता जात रूपा बहुवचन लिया महर्षि पांडि ने तो ये देख रहे हैं महर्षि पाणी के जात रूप के पर्यायवाची और जात रूप से प्रत्यय होता है ठीक है जैसे हम बोलते हैं लोहे का बाट लोहे का बाट बोलते हैं वैसे यहां पर हाटक निष्का ये, ये हाटक कहा हाट सोने का बाट और वो निष्क परिमाण मान परिमाण विशेष को बताता है ठीक है ये तो ये हो गया आपका इसका अब क्या है इसमें ध्यान देंगे ये जो हाटक प्रातिपदिक है हाटक क्या है ये हाटक और ये आपका जातरूप ये दो प्रातिपदिक कहते हैं वृद्ध संजक है वृद्ध संजक है हाटक जातरूप तो अब जब परिमाण अर्थ नहीं होगा तो इनसे कौन सा प्रत्यय होगा कहते हैं मैट हो जाएगा नित्यम वृद्ध शरादि से नित्य ही मैट होगा तो अब इनका और किसी को कहना होगा तो जात रूपमयी जात रूपमयम परिमाण से भिन्न को कहना होगा तो ऐसे हाटकमयम ठीक है सोने की छड़ी आदि है कुछ भी है या कोई तार है उसको कहने के लिए मैट ही होगा नित्य से ठीक है नित्य ये मैट होगा और रुक्म और आपका सुवर्ण ये कहते है? हैं ये उकारवान प्रत्यय है आपके क्या है उकारवान तो इनसे क्या था यहां पर ये हाँ, उकार होने से इनमें इनमें विकल्प से मैट होगा इनमें क्या है इनमें विकल्प से मैट होगा सुवर्ण तो सुवर्ण मई लंका बोलते हैं सुवर्ण सुवर्ण मई लंका तो वहां मैट भी हो जाएगा परमाणु से भिन्न अर्थ में मैट हो जाएगा ठीक है ऐसे रुक्मयम भी बन जाएगा ठीक है और वो विकल्प से वहां का आए तो पक्ष में तस्वीकार से विकार अर्थ में अण भी हो जाएगा विकार अर्थ में भी अण हो जाएगा ये ध्यान देंगे ठीक है चलिएगा प्राण रजता दिभ्यो प्राण रहता दिव्य तो प्राण रहता दिव्य पंचमी विभक्तिवा इतनतम अई प्रथमा विभक्ति एकवचनं समास रयता द्रेषां ति रयता दयः प्राणी नश्च रयता वयश्च तेभ्य प्राण रयता दिव्य प्राण रजताभ्य ये सूत्र गलत पढ़ लिखा हुआ है यहाँ पर इसको सुधार करना चाहिए ठीक है मैं दोबारा पढ़ देता हूं यहाँ गलत मैंने ध्यान नहीं गया ये क्या है प्राण रजता दिभ्यो ऐसा होना चाहिए दी छूट रहा है यहाँ पर ठीक है तभी तो रजता रजतादया बने गया ठीक है रजता आदि और प्राणिश्चा रजता रजतादय प्राणी रजतादय और तेभ्या प्राण रजता दिभ्या ऐसा बनेगा यहाँ दी छूट रहा है सूत्र में बाउबरी गर्भ इतरे उदंत पहले बाउबरी समाज होगा फिर इतरे उदंत हो होगा ठीक है चलिएगा अनुवृत्ति इसमें आ रही है आपकी अवयवी तस्वीकारा तदिता ज्ञापरात्रिका प्रत्यय परश्चिन की अनुवृत्ति आ रही है अर्थ ष्ठी समर्थे व्या प्राणिवाचिभ्यो रजतादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यो विकारावयवयोर अवयो अर्थयो अं प्रत्यय भवती हा। हाँ। अभी देखेंगे इसको ठीक है कहते हैं षष्ठी समर्थ प्राणीवाची प्राणीवाची शब्द अथवा रजतादि गण में पड़े हुए शब्द हैं रजतादि उनसे विकार अथवा अवयर्थ में क्या होता है अं प्रत्यय होता है ध्यान दीजिए क्या होता है अं प्रत्यय अब यहां अनादे अपवाद है अनादि का अर्थ है अणमयट आदि का अपवाद ठीक है थीके? अभी इसका उदाहरण देख लेते हैं उदाहरण दिया यहाँ पर कापोत विकारो अवयवो वा का पोतम क्या है? जो तस्विकार और अवयवे चाण्योषद विक्षेभ्य अवयव अर्थ में और विकार अर्थ में क्या प्राप्त था प्राप्त था ठीक है तो यहां पर तो यहां पर ये जो काशिकाकार है काशिकाकार और उसके टीकाकार वो कहते हैं कि ये कपोत शब्द कैसा प्राणीवाची है तो अवयव को कहने के लिए अवयव को कहने के लिए अवयव च प्राण्योषद प्राण्योषद विक्षेप से प्राप्त था और तस्वीकार से विकार अर्थ में प्राप्त था तो ये अण का अपवाद क्या कर दिया अं कर दिया स्वर में भेद हो जाएगा और स्वरूप ऐसे रहे कापोतम बन गया ठीक है मायूरम ऐसे मयूर शब्द है मयूर शब्द से भी क्या है मयूर शब्द मयूर ये भी क्या है अण प्राप्त था इससे भी विकार और अवय अर्थ में तो इससे कर दिया ठीक है और ये तित्य, शब्द है तित्ती इससे भी अण प्राप्त था अच्छा रजतादी गण में जो ये पड़े हुए हैं ये शब्द कैसे ये आपके अनुदात्ता दी है रजत और सी ये शीश शब्द है ठीक है रजत और शीश तो राजतम और सईशम तो ये कैसे अनुदात्ता दी है तो इनसे तो अनुदात्ता दे रही से प्राप्त था। क्या था अनुदात्ता दे रही से प्राप्त था तो कहते हैं अनुदात्ता दे रही से अब अब फिर द्वारा अई कर रहे हैं तो फायदा क्या हुआ लाभ क्या हुआ तो कहते हैं ये इसलिए यहां पर पड़े हुए हैं कि इनसे विकल्प से जो मैट की प्राप्ति थी भाषा में मयड तयोर भाषाया मक्षादनयो से मैट की प्राप्ति थी तो अब मैट नहीं होगा अब इससे अं ही होगा तो ये दो शब्द या मैट के अपवाद के लिए हैं और ये यहां पर अण के अपवाद हैं बस इतना इसमें समझना है बाकी आप जब काशिका पढ़ेंगे तब ये काशिका में बाकायदा टीकाओं में स्पष्ट किया गया है न्यास है पद्मंजरी वहां पर आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो अभी आपको इतना ही समझ लेना है प्राणीवाची और इत्यादि पठित शब्दों से विकार और अवयवर्त में अय होता है इतना समझ लेंगे तो भी काफी है ठीक है चलिए सिद्धियों में कुछ भी नहीं है यहां पर अण आदि लिखा है तो अण आदि आदि शब्द से माइट आदि का कह रहे हैं उन्हीं का यह बाधक सूत्र है ठीक है तो इनमें तो मयट हो जाएगा ध्यान देंगे कपोतमयम प्रयोग होता है तित्रिमयम भी हो जाएगा और मयूरमयम भी हो जाएगा ठीक है प्रयोग देखने परंतु पर। पर। इनसे मयट नहीं होगा क्योंकि इनसे इनका इस सूत्र में पढ़ने की सार्थकता तभी है जब मैट को रोक सके ये ठीक है तो मैट को क्योंकि अं तो पहले ही प्राप्त था अनुदाता दृष्टि से फिर द्वारा अं करना इसका मतलब किसी दूसरा प्रयोग मैट को बांधना है मैट का ये अपवाद है चलिएगा तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ते हैं अब आगे की कक्षा में प्रयास करेंगे पूरा पाद समाप्त हो जाएगा तीसरा पाद चौथा पाद सरल है सरल तो ये भी है बाकी शीघ्रता से कर देंगे ठीक है परीक्षा की तैयारी करना आरंभ कर दीजिएगा अब हम आपको बोलना आरंभ कर रहे हैं परीक्षा की तैयारी करो तो अब आपको भी कर लेनी है ठीक है हम पूरा जब तक चौथा पाठ पढ़ें तब तक हमारी काफी तैयारी हो जाए तो फिर हम शीघ्रता से परीक्षा आपकी ले सकेंगे और आप देख सकेंगे परीक्षा जरूर दीजिएगा अवश्य परीक्षा देनी है चलिए सर्वेभ्यो नमः